गौ अष्टमी पर्व पर गाय माता के संरक्षण और उन्हें राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने को लेकर आज हजारों सनातनी दिल्ली के रामलीला मैदान में एकजुट हुए हैं, जिसमें मंच पर बड़े बड़े संत साधु समेत धर्म गुरु भी मौजूद रहे। इसके साथ ही मंच पर देवकी नंदन महाराज ठाकुर भी मौजूद रहे। सभी हिंदुओं ने सरकार को एक बड़ा संदेश देते हुए गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने की विशेष मांग रखी है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं होता है तो अगले साल चुनाव में सरकार पलट सकती है, जिस पर दिल्ली संवाददाता शुभम सेठ ने खास बातचीत की है। दिल्ली से शुभ सेठ की रिपोर्ट। लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि गौ माता की हत्या जिस तरह से लगातार मामले सामने आते रहे, उस पर रोक लगाने के लिए क्या कुछ कदम यहाँ उठा रहे हैं। ये देख सकते हैं, हाथों में ये तख्तियां लिए यहाँ पे खड़े हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमाकर ठाकुर है और मैं एकम सनातन भारत दल का राष्ट्रीय सचिव हूँ। आप यहाँ पे गौ माता की हत्या पे रोक लगाने आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से आप लोग कार्य करेंगे जिस तरह से गौ माता की हत्या के मामले लगातार सामने आते हैं? हम लोग एकम सनातन भारत दल से हैं और यदि आप हमारी पार्टी का सप्त संकल्प देखें, जो अप्रैल 2023 में हरिद्वार में हमने सप्त संकल्प भारत के सनातन समाज के लोगों को दिया है, उसमें हमारा पहला मुद्दा ही यही है कि गौ माता की हत्या पे संपूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए, गंगा और राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए भारत सरकार के द्वारा। जीतू नाम है। गौ माता की हत्या जिस तरह से लगातार मामले सामने आते हैं, उस पर रोक लगाने के लिए आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? भैया जो ऐसा करता है, भाई जो भी करता है तुरंत तोड़ो, और तोड़ते भी हैं और ऐसे तोड़ेंगे, ठीक है सर? हम खुलेआम मारते हैं भाई, ये गौ माता को काटते हैं, गौ माता को, ठीक है? इनके लिए तो भाई इसीलिए यहाँ पर पसवा है, भाई आए हैं, ठीक है? जो ऐसा करता है पिटेंगे और मारेंगे भी भाई। बाकी सारे भाई हैं। जय श्री राम, जय माता दी। भाई मैं आपका भाई विजय का ट्रेंडु। सारे के सारे जितने भी यहाँ पर है ना, कम से कम 30 से 40 हजार व्यक्ति आ रखा है। ये एक भी बत्ता कोई बंदा ना, कोई एक बोवल नहीं है। रील में जो रील्स में आते हैं और टिकटॉक जो बनाते हैं, वो नहीं है। सारे धरातल पे काम करने वाले और लटके जोर पे गौ माता को राष्ट्र पशु घोषित करवाने वाले आ रखे हैं। हमारे धर्म गुरु सामने बैठे हैं जी, ये मेरे अपने जवाब है जी, मैं आपकी बातों को जवाब नहीं दे रहा, अपने जवाब दे रहा हूँ। हमारे धर्म गुरु सामने बैठे हुए, इनका आदेश होगा जब यहाँ से ये भीड़ हटेगी। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे देश में हमारी सरकारें, हम नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से भी कहना एक बात ही चाहते हैं कि हमारी गौ माता को जल्द से जल्द राष्ट्र पशु घोषित करा जाए। लता ठाकुर के लिए क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे सरकार से कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दे, और ताकि ये गौ हत्या जो हो रही है ये बंद हो जाए, और सब लोग फिर गौ माता का सम्मान करेंगे तो ये जो गौएं रास्ते में सड़कों पे कहीं भी रह रही है तो ये नहीं होंगी फिर। हाँ, हम तो ये कहने लगे चाहेंगे कि अगर सरकार हमारी आज की पुकार नहीं सुनेगी, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी, ये सत्य है कि ये ही करेंगे, सनातन धर्म के लिए ये खड़े हुए हैं। और आने वाले में तो ये कहती हूँ कि हमारी गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देना चाहिए। गुरु देवा राजेश्वरी देवा जी, उन्होंने हमें 2 साल से जोड़ा हुआ है, 2 साल से गौ माता का राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना है, तो तब भी गोष्ठी करते हम साथ जाते हैं। बहुत बहुत दिनों से यात्रा कर रहे हैं, प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी, सब महात्माओं से मिलके आए हैं, सबको लेटर दिए हमने, इसीलिए गौ माता का राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए। वो जो हमारी आवाज है प्रधानमंत्री तक पहुंचनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी फाइल तैयार कर दें, गौ माता का राष्ट्र माता का दर्जा दिला दें, हमारी ये याद है। नमस्कार, मेरा नाम अजितेश कुमार उर्फ बबलू भैया है, मैं गोपी गोपाल गौशाला ट्रस्ट का संस्थापक अध्यक्ष हूँ और बाई प्रोफेशन फिजिक्स का लेक्चरर हूँ। और इस गोपाष्टमी महोत्सव पे आज रामलीला मैदान में दिल्ली हम लोग पहुँचे हुए हैं। हम लोग का मेन उद्देश्य है कि भारत सरकार गौ माता को राष्ट्र सरकार घोषित करे। अगर भारत सरकार गौ माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं की, तो जैसे हम लोगों ने, हम गौ भक्तों ने इनको कुर्सी पे बैठाया, उसी तरह इनको कुर्सी से उखाड़ फेंकेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हम लगातार यहाँ से लोगों से बात कर रहे हैं, किस तरह से गौ माता की हत्या को लेके लगातार लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और गाय माता को राष्ट्र माता मांगने की यहाँ पर मांग पे लड़े हुए हैं। MK News के दिल्ली